वेलकम ऑल। इडियम्स एंड फ्रेजेज में आज जिन पांच इडियम्स एंड फ्रेजेज से हमारा सामना होना है उनमें पहला है अपहिल टास्क, बहुत कठिन कार्य। फिर दूसरा विदाउट फेल, निसंदेह। फिर स्लीपिंग पार्टनर, निष्क्रिय हिस्सेदार। फोर्थ स्मॉल फ्राई, साधारण आदमी। एंड देन एट लास्ट आयरन हैंड, कड़ाई से। समझते हैं इन पांचों को। अपहिल टास्क, अपहिल टास्क का मतलब होता है, अपहिल का मतलब ही होता है बहुत कठिन। अपहिल का मतलब ही होता है बहुत कठिन। और टास्क का मतलब आप सब जानते हैं, टास्क का मतलब कार्य। तो बहुत कठिन अपहिल टास्क हो जाएगा, बहुत कठिन कार्य यहाँ पे है, बहुत कठिन कार्य। इसका सेंटेंस में यूज किया हमने, इट इज अन अपहिल टास्क टू अप्रूव करप्शन, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना बहुत कठिन कार्य है। ठीक है, तो इट इज अन अपहिल टास्क टू अप्रूव करप्शन मतलब भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना एक बहुत ही कठिन कार्य है। तो दिस वॉज अपहिल टास्क, बहुत कठिन कार्य। नाउ विदाउट फेल, विदाउट फेल का मतलब होता है फेल हुए बिना। जब किसी से कह दिया जाए कि आपको विदाउट फेल कोई कार्य करना है, इसका मतलब उसे उस कार्य को करना है निसंदेह। हिंदी होती है इसकी निसंदेह। विदाउट फेल मतलब निसंदेह। जैसे गुड स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर होमवर्क, अपने गृह कार्य को कंप्लीट करते हैं विदाउट फेल, निसंदेह। सो यहाँ पे विदाउट फेल का मतलब कि फेल हुए बिना, करना ही करना है, इसको बोलते हैं निसंदेह। नाउ स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है, पार्टनर का मतलब हिस्सेदार, हिंदी में भी हिस्सेदार है। अब स्लीपिंग का सोता हुआ, सोता हुआ का मतलब क्या है, जो पार्टनर सोता हुआ है इसका मतलब वह काम करने वाला नहीं है, सोने वाला है। और आप जानते हैं सोना निष्क्रियता को प्रदर्शित करता है, इसलिए स्लीपिंग का मतलब निकाला गया यहाँ पे निष्क्रिय। स्लीपिंग पार्टनर मतलब निष्क्रिय हिस्सेदार। अ स्लीपिंग पार्टनर इज अ वाइट एलिफेंट, एक निष्क्रिय हिस्सेदार एक व्हाइट एलिफेंट होता है। व्हाइट एलिफेंट ही एक इडियम है जिसको पहले बताया गया है, जो जिसका मतलब होता है कि महंगा किंतु बेकार, महंगा किंतु बेकार। तो स्लीपिंग पार्टनर महंगा है बिकॉज पार्टनर को अपने प्रॉफिट का पार्ट देना पड़ता है, तो महंगा हो गया। प्रॉफिट हुआ तो उसमें से पार्टनर है तो उसको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और बेकार इसलिए कि पार्टनर है, महंगा है और स्लीपिंग है, हमारा किसी काम में नहीं आ रहा है, इसलिए वह हमारे काम का नहीं है, वह बेकार है। तो इसलिए हम महंगा और बेकार दोनों है स्लीपिंग पार्टनर, इसलिए हमने यहाँ पे यूज कर दिया व्हाइट एलिफेंट वाला। सो स्लीपिंग पार्टनर का मतलब हो जाएगा निष्क्रिय हिस्सेदार, और सेंटेंस में यूज करके दिखा दिया है। एक बार व्हाइट एलिफेंट वाला दिखा देता हूँ, 92 पे है, मैंने पहले पढ़ लिया है। देखिए 92 पे अ व्हाइट एलिफेंट क्या है, महंगा किंतु बेकार वस्तु। अ स्लैकर इन अ कंपनी इज लाइक अ व्हाइट एलिफेंट, स्लैकर मतलब कमजोर, एक कमजोर एक कंपनी में व्हाइट एलिफेंट के समान होता है। तो वैसा ही स्लैकर कमजोर होता है, यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर क्या करता है, स्लीप करते रहता है और प्रॉफिट का हिस्सा भी लेता है, तो व्हाइट एलिफेंट टाइप होता है। नाउ स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई की हिंदी है साधारण आदमी। स्मॉल मतलब तो छोटा और फ्राई मतलब होता है बच्चा, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा मतलब साधारण आदमी। कैसे, सपोज कोई टीम है ए और कोई टीम है बी, दोनों क्रिकेट की टीम है। ए वाले अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं बी के खिलाफ, बना रहे हैं तो कह रहे हैं कि बी में कोई पर्सन एक्स वाई जेड है
और एक्स वाई जेड को ना बॉलिंग आता है ना बैटिंग आता है, वह तो छोटा बच्चा समान है, मतलब एक्स वाई जेड का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जब हम किसी पर्सन का कोई मतलब नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं, तो हम कहते हैं वो तो छोटा बच्चा जैसा है, उसे तो हम निपट लेंगे। तो इसे बोलते हैं स्मॉल फ्राई, छोटा बच्चा को इसलिए बोल देते हैं साधारण आदमी, साधारण आदमी। अब अ गवर्नमेंट शुड फोकस, एक सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए ऑन द वेलफेयर ऑफ स्मॉल फ्राइज, साधारण आदमी के वेलफेयर पर। सरकार को साधारण आदमी के वेलफेयर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह हो गया स्मॉल फ्राई, मतलब साधारण आदमी। नाउ आयरन हैंड, हिंदी है कराई से। अब हैंड कैसा? आयरन के समान, पूरा का पूरा हाथ आयरन के समान है, मतलब कोई कार्य करता है यह हाथ, तो आयरन के समान होने का मतलब कि कार्य कार्य होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता है। नॉर्मल हैंड नहीं, आयरन के समान हैंड हो गया। तो इसलिए आयरन हैंड को हिंदी हो जाएगी कराई से, आयरन हैंड की हिंदी होगी कराई से। हिटलर रूल्ड जर्मनी, हिटलर ने जर्मनी पर शासन किया विद अन आयरन हैंड, कराई के साथ। हिटलर ने जर्मनी पर शासन कराई के साथ किया। तो इस तरह से पांच जो इडियम्स एंड फ्रेज आज हम देख रहे हैं, पहला अपहिल टास्क, बहुत कठिन कार्य, दूसरा विदाउट फेल, निसंदेह, स्लीपिंग पार्टनर, निष्क्रिय हिस्सेदार, स्मॉल फ्राई, साधारण आदमी, और लास्ट में आयरन हैंड, कराई से। थैंक यू वेरी मच।